चलिए जी, हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं दैट इज शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर। ओके, अच्छा चैप्टर है, अच्छा अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं 8-10 नंबर के, ठीक है। और वही आर्टिकल फॉर्म में पढ़ेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कोशिश करेंगे कि इस तरीके से करें कि आपको समझ में आ जाए कंसेप्ट। इसमें कुछ चीजें बेसिक हैं, कुछ चीजें बेसिक हैं। अगर आप चैप्टर के नाम पे जाएंगे थोड़ा सा, तो चैप्टर का नाम अगर आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें बेसिक क्लियर हो जाएंगी। क्या है चैप्टर का नाम पढ़े आप लोग, शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स, है ना। इट मीन्स हम लोग इस चैप्टर में शेयर कैपिटल के बारे में, कि कंपनी कैसे शेयर इशू करती है, कौन सा शेयर इशू करती है, क्या तरीका है इशू करने का, उसका पैसा कहाँ आएगा, कहाँ यूज होगा, किन किन लोगों से पैसा लिया जाएगा, और डिबेंचर को लेके भी हम लोग यही पढ़ने वाले हैं। डिबेंचर किस कितने प्रकार के होते हैं, कहाँ से इशू किया जाता है, किन लोगों से इशू किया जाता है, ये सब चीजें, ठीक है। तो वही पढ़ना है, काइंड ऑफ शेयर कैपिटल एंड ऑल दैट। पढ़ने की कोशिश करते हैं, होता क्या है समझने की कोशिश करते हैं। अब एक चीज तो तुम लोगों को पता है, ये तो बताने की जरूरत है नहीं, कि कंपनी को अगर रन करना है, कंपनी को अगर रन करना है तो आपको पैसे की जरूरत तो पड़ेगी, ये तो तय है और सत्य वचन है। उसके बिना कोई कंपनी सरवाइव नहीं कर सकती, है ना। तो हम लोग एक छोटा सा आप बोल सकते हैं एक प्रोवर्ब या एक कहावत या एक बहुत ही सच जो है वो ये है कि कंपनी का जो फाइनेंस है, पैसा, है ना, वही कंपनी में लाइफ की तरह इन्वॉल्व होता है और वही कंपनी में ब्लड की तरह इन्वॉल्व होता है। लाइफ की तरह मतलब जान फूंक दे उसमें, जान कैसे, कैसे फिक्स एसेट्स क्रिएट करके, लैंड, बिल्डिंग, मशीन्स, ये अपना मेरा कंसेप्ट है। और ब्लड जो हमें रेगुलरली लगता है, कम होता है तो दिक्कत, है ना, कम हो जाए, हम चाहते हैं हमेशा बढ़ते रहे आपकी वर्किंग एसेट्स। हम हमेशा चाहेंगे हमारा कैश बढ़े, हमारे रॉ मटेरियल बढ़े, हमारी इन्वेंट्रीज बढ़े, हमारी सेल्स बढ़े, हमारे बिल रिसीवेबल बढ़े, और लाइफ वर्क फिक्स एसेट्स, लैंड, बिल्डिंग, मशीन्स, जिसको हम समय समय पर रीबूट करते जाए, है ना, चेंज करते जाए। इसके बिना कोई भी कंपनी सर्वाइव नहीं कर सकती, ये तो तय है, सत्य वचन है, इसमें तो आपको कहीं शक नहीं है। अब फाइनेंस इकट्ठे करने के कितने तरीके हो सकते हैं, उस पर आप शक कर सकते हैं, उस पर आप प्रश्न चिन्ह उठा सकते हैं, उस पर आप सवाल कर सकते हैं। तो कितने तरीके हैं भैया? सर बहुत सारे तरीके हैं वैसे देखा जाए तो। अगर हम ऐसे निकालें तो उसमें एक ओन कैपिटल आता है, इसमें शेयर्स है, उसमें इक्विटी शेयर्स आएगा, प्रेफरेंस शेयर्स आएगा, रिटेन अर्निंग्स आएंगे, रिजर्व कैपिटल आएगा, और एक हो जाता है जी आपका बोरोड कैपिटल, इसमें डिबेंचर्स है, लोन्स है ना, पब्लिक डिपॉजिट्स है, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे आगे जाके डिटेल, ठीक है, वही पढ़ना है आपको इस चैप्टर में भी। ओके, हम इसमें पढ़ने वाले शेयर कैपिटल के बारे में बेसिकली, कितने प्रकार के शेयर, कैसे कंपनी इशू करती है, इक्विटी के कितने प्रकार, प्रेफरेंस के कितने प्रकार, इक्विटी शेयर होता क्या है, प्रेफरेंस शेयर होता क्या है, ठीक है। तो कंपनी बिना पैसे के, बिना पैसे के रन नहीं हो सकती, स्टार्ट नहीं किया जा सकता, सर्वाइव नहीं हो सकती, ठीक है। और ये जो सोर्स ऑफ कैपिटल है, जिसको मैंने ओन और बोरोड कहा, जिसमें शेयर्स है, डिबेंचर्स है, बॉन्ड्स है, लोन्स है, प्रेफरेंस शेयर्स है, ये कंपनी को प्रोवाइड करते हैं लाइफ एंड ब्लड, है ना, इसके बिना कंपनी सर्वाइव नहीं कर सकती। ओके, बराबर है कि नहीं बराबर है? तो आपके पास में बहुत सारे ऑप्शन है, आप कैपिटल इशू करिए, आप डिबेंचर इशू करिए, आप शेयर इशू करिए, ठीक है, हम वही पढ़ने वाले हैं। तो अगर आप बेसिकली पढ़ने की कोशिश करेंगे, है ना, बेसिकली अगर आप पढ़ने की कोशिश करेंगे तो किस तरीके से होगा कि कंपनी के पास सबसे पहला ऑप्शन क्या आता है, शेयर्स का, सबसे पहला ऑप्शन क्या आता है, शेयर्स का आता है। अब शेयर का मतलब क्या होता है, अ पार्ट ऑफ कैपिटल, अ पार्ट ऑफ टोटल शेयर कैपिटल, कंपनी
कंपनी का जो टोटल शेयर कैपिटल है उसका एक छोटा सा हिस्सा है, उसे हम कहते हैं शेयर। थोड़े नंबर में ज्यादा अगर हो जाए तो उसे क्या कह लेंगे, शेयर्स। एक से ज्यादा यूनिट, और बल्क में अगर कन्वर्ट कर लें इशू नहीं कन्वर्ट, तो उसे क्या कहेंगे, स्टॉक, जिसको आप कह सकते हैं बंडल ऑफ शेयर्स। बंडल ऑफ शेयर्स। अब जो व्यक्ति, इसको आप ये भी कह सकते हैं यूनिट, यानी वन, एक, अब जो कंपनी में शेयर लगाएगा तो उसके कुछ तो अधिकार होंगे। तो कंपनी में उसने फाइनेंशियल इंटरेस्ट लिया, कंपनी में उसने मॉनेटरी इंटरेस्ट हासिल किया, उसे डिविडेंड मिलेगा, कंपनी की एसेट्स पे उसका हाथ है, अगर कंपनी डूबती है तो उसे पैसे मिलने के चांसेस हैं, उसे डिविडेंड मिलेगा, कंपनी पे उसको राइट्स मिलेंगे, उसके वोटिंग राइट्स होंगे, उसके इक्वल वोटिंग राइट्स होंगे, उसके डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स होंगे, उसको बोनस मिलेगा, उसको राइट इशू मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें। मतलब शेयर लगाने पर आपका सिर्फ फाइनेंशियल इंटरेस्ट या मॉनेटरी इंटरेस्ट नहीं होता है, साथ में अदर राइट्स भी अटैच होते हैं जो आपको शेयर खरीदने के बाद में कंपनी में मिलते हैं एज ए शेयर होल्डर। इंक्लूसिव डेफिनेशन है शेयर की, इट इंक्लूड्स, व्हाट इंक्लूड्स, 284 क्या कहता है, शेयर इज एज ए शेयर इन द टोटल शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, इट इंक्लूड्स स्टॉक, है ना। स्टॉक का मतलब होता है बंडल ऑफ शेयर्स। तो ये जो एक 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 स्टॉक में कितने शेयर होंगे ये कंपनी डिसाइड करती है, और ये बाद में कन्वर्ट होता है। जैसे एग्जांपल, मैंने 1000 शेयर खरीदा, मुझे उसको स्टॉक में कन्वर्ट करना है तो कंपनी से मुझे पूछना पड़ेगा, फिर कंपनी मुझे एक मिनिमम बंडल बताएगी कि भैया एक स्टॉक में कम से कम 100 शेयर तो होने चाहिए। मैं अपने मन से बंडल डिसाइड नहीं कर सकता, फिर एक एक स्टॉक को मैं सेल कर सकता हूँ उसकी वैल्यू के हिसाब से, बराबर है। छोटे फॉर्म में जो डिवाइड करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, शेयर्स, ठीक है। शेयर जब कंपनी इशू करती है तो उसकी अपनी फेस वैल्यू रहती है। फेस वैल्यू का मतलब क्या होता है, शेयर सर्टिफिकेट पर लिखी हुई वैल्यू, बराबर है कि नहीं बराबर है, इतना तो आप लोगों को समझना आता है, ठीक है, जो कंपनी डिसाइड करती है। अब इसको अगर आप थोड़ा सा डिटेल में जाए, थोड़ा सा डिटेल में, कंपनी के मेमोरेंडम में लिखा होता है कि कंपनी कितना मैक्सिमम शेयर इशू कर सकती है, उसको हम बोलते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल। ये आपने फाउंडेशन में भी पढ़ा है, या रजिस्टर्ड कैपिटल या नॉमिनल कैपिटल, क्योंकि मिनिमम है ना, इससे तो ज्यादा ही लेंगे आप आगे जाके। फिर जितना आप इशू करते हैं इशूड कैपिटल, जितना आपने एक बार में तो पूरे कैपिटल इशू करेंगे नहीं, तो अनइशूड कैपिटल। इशूड पे फिर होता है सब्सक्रिप्शन, फिर कुछ होते हैं अनसब्सक्राइब, सब्सक्रिप्शन के बाद होता है कॉल्ड अप जो कंपनी को चाहिए, हाँ, और कॉल्ड अप के बाद होता है आपका पेड अप जो कंपनी के पास में आ चुका है, जो कंपनी को मिल चुका है, और मिल अगर बोलने के बाद भी नहीं मिला पैसा होता ना हमने, तो उसे बोलते हैं कॉल्स इन एरियाज, जो पैसा बकाया रह गया शेयर होल्डर पर कंपनी का, ठीक है ना, यही है, तो यही तो शेयर है। तो मैक्सिमम जो आप पैसा उठा सकते हैं शेयर से वो क्या होता है, ऑथराइज कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल। अगर आपको उस लिमिट को एक्सीड करना है तो आपको अपने मेमोरेंडम को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ, और शेयर के डेफिनेशन में हम किसे इंक्लूड करते हैं, स्टॉक को भी इंक्लूड करते हैं। स्टॉक का मतलब होता है बंडल ऑफ शेयर्स, ये आपको ध्यान रखना है, भूलने की बात नहीं है। मैंने आपको क्या बताया, सिर्फ और सिर्फ आपको फाइनेंशियल इंटरेस्ट नहीं मिलता, साथ साथ में आपको बहुत सारे अटैचमेंट राइट्स भी मिलते हैं, राइट टू वोट, राइट टू अपॉइंट प्रॉक्सीज, राइट टू गेट द एसेट्स ऑफ द कंपनी, राइट टू चेंज द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, राइट टू चेंज द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, देयर आर मेनी राइट्स, ठीक है। एक चीज मैंने और बताया, जब आपके शेयर्स फुल्ली पेड अप हो जाते हैं, यानी आपने कंपनी को पूरा पैसा दे दिया, अब आप पे कोई लायबिलिटी नहीं हुई है, उसके बाद आप उसको कायम में कन्वर्ट कर सकते हैं स्टॉक में, बंडल ऑफ शेयर्स में। देखो यहाँ क्या लिखा है, स्टॉक ओरिजिनली इशू नहीं होता है मेरे बच्चों, ओरिजिनली इशू होते हैं शेयर्स, जब वो फुल्ली पेड अप हो जाएंगे तो आप उसको कन्वर्ट करेंगे स्टॉक में, ठीक है। और वो बंडल कौन डिसाइड करता है, कंपनी, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। कितने प्रकार के शेयर होते हैं, कितने प्रकार के शेयर होते हैं ना, इक्विटी, प्रेफरेंस, और प्रकार के शेयर होते हैं भाई, ऐसा नहीं है कि बस। देखो अभी छोटा सा उदाहरण देता हूँ,
बेसिकली आप कंपनी के पास में दो प्रकार के शेयर्स, बेसिकली थोड़ा सा अपन बेहतर करने की कोशिश करते हैं ना, कंपनी दो प्रकार के शेयर को इश्यू कर सकती है। पहला है इक्विटी शेयर, नाम से क्लियर हो रहा है जो लोग ये शेयर खरीदेंगे उनकी वैल्यू वोटिंग राइट्स में समान रहेगी, यानी वन मैन वन वोट, इरिस्पेक्टिव अपने 1,00,000 शेयर खरीदो, इरिस्पेक्टिव किसी ने 10,000 शेयर खरीदो, इरिस्पेक्टिव किसी ने 100 शेयर खरीदो। और एक होता है प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना यहां तक आपको क्या बोला मैंने। इक्विटी शेयर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इक्वल वोटिंग राइट्स, एक होता है डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। इक्वल वोटिंग राइट्स का मतलब क्या होता है कि वन मैन, या फिर ऐसा बोल सकते हैं एक शेयर पे एक वोट और सबके लिए समान, एक शेयर पे सॉरी वन मैन वन वोट हुआ, ये आपको क्लियर हो रहा है, गूगल की जरूरत नहीं है ना, और सबके लिए समान है ना। एक होता है डिफरेंशियल वोटिंग राइट, यानी अगर 100 शेयर होंगे तो 100 वोट काउंट होंगे, किसी के 1,00,000 शेयर होंगे तो उसके 1,00,000 वोट काउंट होंगे, बट आपको 1:1 का रेशो मिल गया। इक्वल वोटिंग राइट्स, आप सबको इक्वल हमने अपॉर्चुनिटी दी, अब कम ज़्यादा खरीदना आप पे डिपेंड है। फिर एक होता है फॉर एग्जांपल, 10:1, 10 शेयर पे एक वोट, ये हो गया डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। नॉर्मली कंपनियां डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स किसको इशू करती हैं, तो जैसे कि कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, या ESOP में एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम्स, स्वेट इक्विटी शेयर्स। अब इनको अगर पूरे राइट दे देंगे तो फिर बाकी के जो रिस्की इक्विटी शेयर होल्डर वो बोलेंगे फिर हमने क्यों लगाया जब सबको सब कुछ ही मिलने वाला था, तो बराबर है ना। इक्विटी डिफरेंशियल वोटिंग राइट, और इसमें सिंपल सा फर्क है इक्वल वोटिंग राइट्स में, क्या फर्क है, इनका जो राइट होता है राइट वोटिंग राइट वो इनके रेट ऑफ डिविडेंड से ज्यादा होता है, और इनका जो रेट ऑफ डिविडेंड है वो इनके वोटिंग राइट से ज्यादा होता है, क्योंकि कन्वर्जन है ना, और ये इनिशियली ओरिजिनली इशू हुआ है ये, बराबर है। तो ये कंसेप्ट पहले टाटा मोटर्स ने इंट्रोड्यूस किया था, टाटा डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। और आपको पता है वोटिंग राइट कहाँ काम आते हैं, बेसिकली तो अपन पढ़ते हैं वन मैन वन वोट, मगर जब कंपनी में पोलिंग होती है, वोटिंग फेल हो जाती है किसी वजह से, तो इन केस ऑफ पोलिंग आप बोल सकते हैं ये वन शेयर वन वोट काम आए। When voting fails, वहां पर इक्वल वोटिंग राइट्स वालों की चांदी चांदी, बराबर, इक्विटी मतलब समान, कितना ही पैसा लगाओ है ना, लेस और मोर, वन मैन वन वोट वोटिंग में, वोटिंग फेल तो पोलिंग में, वन शेयर वन वोट, तो फिर वहां तो चांदी चांदी होगी है ना, जिसके शेयर ज्यादा उसके वोटिंग राइट ज्यादा। प्रेफरेंस शेयर में अगर आप आ जाए, प्रेफरेंस शेयर, अच्छा इक्विटी शेयर की सबसे खास बात क्या है कि एक परमानेंट कैपिटल है, एक बार कंपनी में लग गया आपको वापस नहीं मिलेगा, अब आपको इसको ट्रेड करना होगा, बाइंग सेलिंग करनी होगी, कंपनी से आपको वापस नहीं मिलने वाला है। प्रेफरेंस शेयर की खास बात क्या होती है, प्रेफरेंस शेयर होता है टेम्परेरी कैपिटल, कंपनी में आपने लगाया ना, आपको एक समय के बाद में वापस मिल जाएगा ना, वो एक समय क्या होता है, मैक्सिमम कितना होता है, 20 years। तो टेम्परेरी कैपिटल ही हुआ ना। इसके सबसे खास बात क्या है, जैसे इक्विटी शेयर को फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड मिलता है ना, वैसे ही प्रेफरेंस शेयर को फिक्स डिविडेंड मिलता है, इरिस्पेक्टिव कंपनी प्रॉफिट कम कमाए या ज्यादा। अपन लिख सकते हैं, अपन एक डायग्राम के थ्रू भी इसको समझ सकते हैं, ये कंपनी का प्रॉफिट है ना, तो ये हो गया फिक्स डिविडेंड ऑफ इक्विटी प्रेफरेंस शेयर्स, और ये हो गए डिविडेंड ऑफ इक्विटी शेयर्स, जो प्रॉफिट के साथ बढ़ सकता है, चेंज हो सकता है, ठीक है, समझ में आया। इनके वोटिंग राइट्स होते हैं, इनके कोई वोटिंग राइट्स नहीं है, अनलेस और अंटिल इनका कोई इंटरेस्ट अफेक्ट हो, अनलेस और अंटिल इनका कोई इंटरेस्ट अफेक्ट हो। व्हाट इज द इंटरेस्ट, अगर कंपनी ने बिना पूछे इनके रेट ऑफ डिविडेंड को कम कर दिया, ओके। तो प्रेफरेंस शेयर की अपनी खासियत है, प्रेफरेंस शेयर के अपने टाइप्स हैं, अलग अलग टाइप्स हैं। एक टाइप है प्रेफरेंस शेयर का क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेटिव क्या बोलता है, अगर कंपनी ने इस साल पैसा नहीं दिया डिविडेंड का, तो इस साल का जो डिविडेंड है और अगले साल का जो डिविडेंड है वो एक्यूमुलेट होके आपको अगले साल मिलेगा, दैट इज क्यूमुलेटिव। नॉन क्यूमुलेटिव क्या होंगे फिर, अगर इस साल डिविडेंड नहीं आया तो अगले साल अब वो ट्रांसफर नहीं होगा, बराबर है ना। पार्टिसिपेटिंग नॉन पार्टिसिपेटिंग, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर बोलता है कि मैं डिविडेंड तो लूंगा ही, साथ में जो सरप्लस बचेगा जो इक्विटी को मिल रहा है उसमें मेरा भी हिस्सा, मगर इक्विटी के बाद, डिविडेंड तो मिलेगा अपार्ट फ्रॉम डिविडेंड,
नॉन पार्टिसिपेटिंग नहीं, उसको ये हिस्सा नहीं मिलेगा। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर जो एक समय के बाद में इक्विटी में कन्वर्ट हो जाता है, आप बोल सकते हैं कि वो टेम्प्रेरी कैपिटल से परमानेंट कैपिटल हो जाता है, तो कंपनी के लिए तो बेनिफिट ही हुआ ना, पैसा वहीं के वहीं घूम के वापस देने की जरूरत नहीं। एक होता है नॉन कन्वर्टेबल जो एज ए प्रेफरेंस शेयर ही वापस कर दिया जाता है, उसे इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बराबर है क्या बोल रहा हूं मैं आपको, ऐसे समझ में आ रहा है कि नहीं। फिर एक होता है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। रिडीमेबल का मतलब क्या है, रीपेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम एट द मैच्योरिटी डेट। तो जो प्रेफरेंस शेयर्स है वो तो होते ही रिडीमेबल है ना, इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स तो अलाउ नहीं है इशू करना, है ना। बेसिकली कंपनी क्या इशू करती है आपको बताओ, क्यूमुलेटिव रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। क्यूमुलेटिव होना चाहिए, उसका अपना फायदा है, डिविडेंड कम हो या ज्यादा आपको देना है, नहीं दिए तो अगले साल आपको दोनों साल का देना पड़ेगा। और 20 इयर्स का रिडेम्पशन पीरियड मैक्सिमम बोला, तो टेम्प्रेरी कैपिटल है, परमानेंट तो है नहीं। परमानेंट कब हो जाएगा, जब वो कन्वर्ट हो जाएगा कायम में इक्विटी शेयर में। क्लियर है, दे हैव नो वोटिंग राइट्स, रिमेंबर दे हैव नो, व्हाई दे कॉल्ड प्रेफरेंस, बिकॉज दे आर गेटिंग प्रेफरेंस इन केस ऑफ, इनको डिविडेंड भी पहले मिलता है, फर्स्ट गेटिंग डिविडेंड, एंड फर्स्ट रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। अगर कंपनी बंद होती है तो पहले पैसे इनको मिलेंगे इक्विटी के मुकाबले, इक्विटी के मुकाबले ड्यूरिंग वाइंड अप, ड्यूरिंग वाइंड अप। समझ आया तक, ये क्लियर? ओके, ये क्लियर, बोलने की जरूरत नहीं। अभी ये तो मैं पढ़ा पर, नथिंग कंटेन इन दिस एक्ट शैल अफेक्ट द राइट्स ऑफ प्रेफरेंस शेयरहोल्डर्स। इस एक्ट में लिखी हुई बात प्रेफरेंस शेयर होल्डर के राइट को अफेक्ट नहीं करेगा, यानी ये एक्ट ही सुपीरियर है, कोई और एक्ट इस एक्ट को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर सकता, है ना। ओके, क्लियर हो रहा है आपको क्या बोल रहा हूँ मैं, प्रेफरेंस शेयर्स को कहाँ कहाँ प्रेफर किया जाता है, उनको डिविडेंड भी पहले मिलेगा और कंपनी के वाइंड अप के टाइम पर रिपेमेंट ऑफ कैपिटल भी पहले ही मिलेगा, ये आपको ध्यान रखना। ये तो हम लोग भी समझते हैं कि इनके वोटिंग राइट्स होते नहीं है, बट मालूम क्या होता है, कंपनी इनके लिए रिजर्व बना के रखती है, क्यूमुलेटिव रिडेम्पशन रिजर्व, ना क्यूमुलेटिव रिडेम्पशन रिजर्व CRR, उन प्रेफरेंस शेयर होल्डर के लिए जिनको आप इस साल ना डिविडेंड देंगे अगले साल देंगे, क्यूमुलेटिव रिडेम्पशन रिजर्व याद रखना, है ना, क्यूमुलेटिव रिडेम्पशन रिजर्व फॉर प्रेफरेंस शेयर। दे हैव नो वोटिंग राइट्स, वी ऑल नो, तो उसमें जाने की जरूरत है नहीं। डिफरेंशियल वोटिंग राइट भी मैंने बता दिया आपको कि जिसमें शेयर के मुकाबले वोट कम होते हैं बट आपका रेट ऑफ डिविडेंड ज्यादा होता है, उससे पहले ये, अच्छा डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाले अगर इक्विटी शेयर इशू करना है, क्योंकि डिफरेंट है, हो सकता है आप एम्प्लॉय स्कीम में निकालो या आप कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर से कन्वर्टेबल डिवेंचर पे, तो आर्टिकल में उसका प्रोविजन होना चाहिए पहले, क्योंकि आप इशू कर रहे हैं ऐसे प्रेफरेंस शेयर, है ना। एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करने का पड़ेगा आपको कायम में जनरल मीटिंग में, क्या इशू करने से पहले, इक्विटी शेयर पर डिफरेंशियल वोटिंग राइट। अब अगर आपके जो शेयर्स है, ऑलरेडी शेयर्स इशू है वो लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, तो आपको अप्रूव करना पड़ेगा किससे, शेयर होल्डर से थ्रू पोस्टल बैलेट। सिंपल सा लॉजिक है यार, कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर अगर ऐसे डिसीजन के लिए एक जगह पर एक कम टाइम पे तो इकट्ठे नहीं हो सकते, तो जो शेयर होल्डर इकट्ठे नहीं हो पा रहे और लिस्टेड कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, तो ऐसे लोगों को पोस्टल बैलेट भेजो, वो अपना जवाब आपको दे देंगे कि आप इक्विटी डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाले शेयर इशू कर सकते हो या नहीं कर सकते। पोस्टल बैलेट का मतलब क्या होता है, उनके पोस्टल एड्रेस पे बैलेट पेपर्स भेजना जिसपे वो वोटिंग पे हाँ या ना लिख के अपना जवाब लिख के कॉन्फिडेंशियली आपको सेंड करते हैं, ठीक है। द वोटिंग पावर इन रिस्पेक्ट ऑफ शेयर्स फॉर डिफरेंशियल वोटिंग राइट ऑफ द कंपनी शैल नॉट एक्सीड 74% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर इन वोटिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ, मतलब जितना भी वोटिंग इनको आप वोटिंग पावर कितना देंगे 74%, यानी कंपनी में अगर 100% वोटिंग राइट है किसके, इक्विटी शेयर होल्डर के, तो इनको कितने मिल सकते हैं मैक्सिमम 74%, तो मतलब 26 इक्वल वोटिंग राइट्स वाले रहेंगे वोटिंग पावर, ठीक है। ओके, और क्या है, और क्या है, द कंपनी हैज नॉट, अच्छा एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है, कंपनी की कंडीशन है, कंपनी हैज नॉट डिफॉल्टेड इन फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज एन एनुअल रिटर्न प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर एज पर सेक्शन 128 एंड 92। अगर आपने किसी प्रकार का पिछले 3 साल में डिफॉल्ट नहीं किया है तो आप इक्विटी शेयर पर डिफरेंशियल वोटिंग राइट इशू कर सकते हैं। ना आपने डिपॉजिट में कोई किसी प्रकार का डिफॉल्ट किया, पब्लिक डिपॉजिट, ना आपने प्रेफरेंस शेयर्स को पैसे देने में किसी प्रकार का डिफॉल्ट किया, ना डिबेंचर्स को पैसे देने में किसी प्रकार का डिफॉल्ट किया, ना आपने इंटरेस्ट किसी के डुबाए, ना आपने किसी के डिविडेंड डुबाए, ये डिक्लेरेशन आपको देने पड़ते हैं डिफरेंशियल वोटिंग राइट इशू करने से पहले,
ठीक है ओके, ये वही डिफॉल्ट के बारे में जानकारी दी हुई है, ठीक है जी। ये एक्सेप्शन है याद रखना, और अगर आपने डिफॉल्ट किया भी है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने 2021 में डिफॉल्ट किया, तो इसको अगर 5 साल एलिमिनेट हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, बने पड़े थे ना 5 साल हो जाते, उसके बाद आप इशू कर सकते हैं। तो कब करोगे आप, 2026 में है ना, आप इशू कर सकते हैं। डिफॉल्ट वॉज मेड गुड, मतलब उस डिफॉल्ट की भरपाई कर चुके हैं आपने, जिन लोगों का भी पैसा दबाया था, आप उनके पैसे वापस कर ना। फिर लिखा था कंपनी हैज नॉट पेनलाइज, कंपनी को किसी प्रकार का पेनल्टी या पनिशमेंट कोर्ट और ट्रिब्यूनल के द्वारा नहीं लिया गया है पिछले तीन साल में अंडर एनी ऑफेंस अंडर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934। यानी अब बैंकिंग कंपनी होगी तो RBI के अंडर पनिशमेंट मिलेगा, है ना। शेयर मार्केट वाली कंपनी होगी, शेयर वाली होगी तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया पे ध्यान देना पड़ेगा। सिक्योरिटीज इशू करने वाली कंपनी होगी तो सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज में रिलेटेड वाली कंपनी होगी तो फेमा का चाकू चलेगा। मतलब किसी भी एक्ट में मैंने किसी भी प्रकार का डिफॉल्ट पिछले 3 साल में नहीं किया है, ये डिक्लेरेशन एज ए कंपनी आपको देना पड़ेगा। अगर आप क्या इशू कर रहे हैं, डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाले शेयर्स, और एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देना होगा एनेक्स्ट करके, व्हाट इज दैट मीन। नोटिस के साथ में ये एनेक्शर जाएगा और उसमें लिखा रहेगा कि कंपनी को पहली बार DBR इशू करने की जरूरत क्यों पड़ी, और वो DBR कंपनी का कितना साइज इन्वॉल्व कर रहे हैं, मतलब क्या वो 50% है, क्या वो 70% है। आप समझ में आ रहा है, उनके क्या वोटिंग राइट होंगे। नेक्स्ट क्या है, रिस्ट्रिक्शंस ऑन कन्वर्जन ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल विद वोटिंग राइट्स इनटू इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट, व्हाट इज दैट मीन। इक्वल वोटिंग राइट वाले शेयर्स डिफरेंशियल वोटिंग राइट में कन्वर्जन नहीं कर सकते, भले डिफरेंशियल वोटिंग राइट पहले इक्विटी में क्या कन्वर्जन कर सकते हैं, तो हम पढ़ेंगे। पहले ये लिखेंगे, रूल 3 कहता है, 4(3) कहता है, द कंपनी शैल नॉट कन्वर्ट। वाओ, सही भी है साला, मेरा 1:1 को तू 10:1 कर देगा तो मैं तो कमजोर हो जाऊंगा ना, ये तो शेयर होल्डर के साथ में खेल हो गया, खेल गम्मत हो गई, बराबर है। तो ऐसा आप नहीं कर सकते, ठीक है। आपको अपनी बोर्ड रिपोर्ट में पूरे कंपनी के पर्टिकुलर्स, कितने DBR इशू कर रहे हो, उसमें कितना अमाउंट कवर हो रहा है, उनके क्या वोटिंग राइट्स होंगे, ये सब आपको बताना पड़ेगा ना। दूसरी बात, ये डिस्क्लोजर में क्या लिखा है, मैंने आपको अभी बताया, कंपनी जो DBR इशू करती है वो या तो ESOP में करेगी, स्वेट इक्विटी शेयर्स। व्हाट इज स्वेट इक्विटी शेयर्स, जो आप अपने उन एम्प्लॉय को देते हैं जिन्होंने स्वेट खून और पसीना बहाया। तो लिखा है ना इसमें, अगर उस साल अगर आपने स्वेट इक्विटी शेयर इशू ऑलरेडी कर चुका है तो उस बात को कम से कम 1 साल हो जाना चाहिए, उसके बाद दोबारा करना है DBR, नहीं तो उसी साल में दोबारा करने की जरूरत नहीं है। इनके क्या क्या राइट्स है, सिंपल है यार, इनका मेन राइट क्या जा रहा है कि इनको ये नहीं मिल रहा, बाकी इनको पूरे राइट है, जैसे कि फ्री में शेयर मिलना, राइट इशू, इनके पूरे राइट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इनका मेन राइट कहा जा रहा है, जो 1:1 रेशियो जो है वो सर्टिफिकेट ऑफ शेयर, या सिंपल सा लॉजिक है। आप जब कंपनी में शेयर खरीदते हैं, डेफिनेटली अगर मैं कंपनी में शेयर खरीदता हूं, ठीक है, तो डेफिनेटली यार शेयर एक इनविजिबल चीज है ना, इनविजिबल प्रॉपर्टी है, दिखता का है शेयर, दिखता थोड़ी ना, तो आप उसका क्लेम करते हो क्योंकि आपको बदले में कुछ मिलता है। कैसे क्लेम करते हो, आपको एक एविडेंसिव डॉक्यूमेंट देती है, एविडेंस ऑफ ओनरशिप, क्या इशू करके, शेयर सर्टिफिकेट, ये आपका डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल है कि भैया हमने शेयर खरीदे, हमारी ओनरशिप पर कोई भी माइका लाल चैलेंज नहीं कर सकता ना। अब बोल सकते हैं डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, टाइटल किसका, ओनरशिप ऑफ शेयर्स। शेयर्स ट्रांसफरेबल है, शेयर सर्टिफिकेट भी क्या होता है, ट्रांसफरेबल है। ठीक है। और कंपनी जब भी आपको शेयर अलॉट करेगी उसके 30 दिन के अंदर कंपनी को सर्टिफिकेट इशू कर देना होगा, ठीक है, सेक्शन 46 अंडर कॉमन सी। ओके बच्चों, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, साइंड बाय 2 डायरेक्टर्स और बाय सेक्रेटरी ना, आपको अपॉइंट किए हुए लोगों का साइन आपके शेयर सर्टिफिकेट पे होना होगा, वही प्राइमा फेसी होता है। प्राइमा फेसी का मतलब क्या होता है कि कंपनी पे आपका हक है, ये उसका पहला सबूत है। अब मान लो घूम गया, फट गया, जल गया,
या फेड हो गया, तो फिर आप डुप्लीकेट सर्टिफिकेट के लिए कंपनी से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। मैंने क्या बोला, टॉर्न हो गया जैसे, फट गया, फेड हो गया, बराबर है कि नहीं बराबर है, म्यूटेट हो गया ना, जल गया, फट गया, टॉर्न हो गया, पुराना हो गया, फेड हो गया, तो आप डुप्लीकेट सर्टिफिकेट के लिए इशू करेंगे। डुप्लीकेट सर्टिफिकेट कंपनी लिख के देखिए डुप्लीकेट है, ओरिजिनल नहीं है, उसके नुकसान भी हो सकते हैं आपको, आपको बताना पड़ेगा। लॉस्ट हो गया, डिस्ट्रॉयड हो गया, डिफेस्ड हो गया, डिफेस्ड का मतलब उस पर किसी ने कुछ लिख दिया, कुछ प्रिंट कर दिया, तो उसकी जो वैल्यू थी वो खत्म हो गई। म्यूटिलेटेड हो गया, टॉर्न हो गया, फट गया, जल गया, तो आप उसको कंपनी के पास क्या करेंगे, सरेंडर कर देंगे। क्योंकि अगर ये हुआ है तो सरेंडर करेंगे, ये हुआ है तो कहाँ से करेंगे सरेंडर, दोनों में से कोई भी एक ही चीज़ होगी ना। अगर घूम गया तो कहाँ से करूँगा सरेंडर, और अगर डिफेस्ड हो गया, खराब हो गया, धुंधला हो गया, फेड हो गया, फट गया, तो वापस कर दो कंपनी को। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 46(3) आ सकता है क्वेश्चन कि क्या तरीका है इशू करने का। इस कानून में जो लिखा है उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, ये कानून साफ साफ कहता है कि इसमें जो तरीका लिखा है शेयर सर्टिफिकेट इशू करने का डुप्लीकेट वाला, वो ही सर्वोपरि है। क्या करेंगे जल्दी बताओ। डिपॉजिटरी फॉर्म में आपको एक बैंक अकाउंट खोलना होगा, उसको हम डीमैट अकाउंट खोलेंगे, जहां हम खोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, डीपी। और आपके अकाउंट को मेंटेन करता है, वहाँ शेयर सर्टिफिकेट भी मेंटेन करेगा, बट शेयर सर्टिफिकेट इशू कौन करता है, कंपनी के बिहाफ में डिपॉजिटरी, NSDL और CDSL। अभी NSDL ने मेरे ख्याल से बैंड बजाई अदानी की, अगर आपको प्रूफ करना है कि आपने डीमैट में शेयर इशू किए हैं या आपने खरीदे, तो डिपॉजिटरी का रिकॉर्ड ही क्या होता है, फर्स्ट एविडेंस। इफ समवन चैलेंजिंग है ना, कोई अगर चैलेंज करता है आपके इंटरेस्ट को, क्योंकि आप तो कौन है, बेनिफिशियल ओनर, आपके जितने भी रिकॉर्ड्स है, आपके जितने भी लेन देन है, वो तो आपका बैंक देख रहा है, दैट इज डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। अब क्या लिखा उसमें, पनिशमेंट फॉर इशूइंग डुप्लीकेट सर्टिफिकेट ऑफ शेयर्स विद इंटेंट टू डिफ्रॉड एज पर सेक्शन। ये पूरी की पूरी प्रोसेस है यार, ये एग्जाम में आप पूछ सकता है, पर प्रोसेस लिख दो भाई डुप्लीकेट सर्टिफिकेट के लिए। कंपनी का इरादा था टू इंटेंट डिफ्रॉड इशूइंग डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट, कंपनी ने डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट ही इशू किया ना, एक सेकेंड है ना, कंपनी को फाइन लगेगा, इसमें लिखा 5 times टू द फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स है ना, एंड एक्सटेंड टू 10 times ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स, ओ माय गॉड, और ₹10 करोड़ विच एवर इज हायर। ये नई चीज़ है, अगर कंपनी जानबूझ के ओरिजिनली क्या इशू करती है, डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट, डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट डुप्लीकेट ही रहेगा ना, उसमें बहुत सारे राइट्स नहीं मिल सकते आप, उसमें लिखा रहता है बड़े बड़े शब्दों में डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट, और ऑफिसर का क्या है, अंडर एक्शन लिया जाएगा 447 ऑफ IPC। ठीक है, फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट में डिस्टिंक्टिव नंबर होते हैं, जैसे कि आपने अगर 100 शेयर खरीदा तो ऐसा लिखा रहेगा कि इतने नंबर के शेयर ना तौसीफ अहमद के नाम हम कर रहे हैं, ये डिस्टिंक्टिव नंबर होगा। हर शेयर का क्या है, अपना नंबर है, जो डीमैट फॉर्म में खत्म हो चुका है, डीमैट फॉर्म में फंजिबिलिटी होती है ना, एक ही सर्टिफिकेट काफी है पूरे शेयर में डील करने के लिए। कंपनी की कॉमन सील होती है, दो डायरेक्टर की साइन होती है, कंपनी सेक्रेटरी और जो भी लॉफुल ऑफिसर है उसकी साइन होगी, वो इजिली कॉमन सील का काम करेगी। हाँ, क्या बोला, अलॉटमेंट के 30 दिन के अंदर आपको सर्टिफिकेट दे ही देना है, कहाँ भेज देना है, कंपनी के रजिस्टर्ड एड्रेस पर, और डीमैट में तो कोई दिक्कत नहीं है, वो डिपॉजिटरी खुद ही अपना काम कर देगा। बताना नहीं है आपको डीमैट के बारे में, तो मैं बता चुका हूँ आपको, लिस्टेड कंपनियां जो होती हैं बेसिकली पब्लिक लिस्टेड कंपनियों को डीमैट के थ्रू डील करना ही करना है, NSDL और CDSL अकाउंट ओपन करना ही करना है। उसमें दो तरीके थे, याद है इस डेट के बाद कंपलसरी हो गया था डीमैट, 2/10/18 डीमेट में ही, इसके पहले जो था वो ऑप्शन था, फिजिकली भी इशू हो रहे थे आप कन्वर्ट कर सकते थे उसको बाद में, बट जरूरी नहीं था। बट अब 2018 के बाद में, 2/10/2018 के बाद में तो कंपलसरी हो चुका था डीमेट में ही इशू करना। ठीक है, अनलिस्टेड कंपनी के लिए भी हो चुका है, पहले तो लिस्टेड कंपनी के लिए 2005 से था, और अनलिस्टेड कंपनी के लिए तो कंपल्शन हो चुका 2018 2/10 से। ओके, स्पेशली फॉर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। ठीक है, ये तो अपने को पता है ना, एवरी अनलिस्टेड जितने अब इशू करोगे तो डीमैट में करना, ऑलरेडी इशूड है उसको कन्वर्ट कर दो डीमैट में। ओके,
वन लिस्टेड पब्लिक कंपनी में किस किस प्रकार के शेयर इशू हो सकते हैं, किस किस तरीके से, बाय वे ऑफ प्रायर प्लेसमेंट अप टू 200, बोनस इशू, राइट इशू, ये सब भी होना, ये सब भी कायम होना डीमेटलाइज फॉर्म में, मतलब जितने सब्सक्रिप्शन है 2018-2010 के पहले के और उस दिन के और उसके बाद के सब डीमेट में कन्वर्ट कर देना है। मगर ये जो रूल 9A11 है जो मैं आपको भर भर के अभी पढ़ा रहा हूँ कि डीमेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपकी सिक्योरिटीज को जो आपने पहले इशू किए 2018 के बाद या 2018 के पहले या उसके बीच में, इन कंपनियों पे एप्लीकेबल नहीं है। कौन सी कंपनियों पे एप्लीकेबल नहीं है, निजी कंपनी पर एप्लीकेबल नहीं है, अरे मेंबर के थ्रू चलती है, मेंबर पैसा लगाते हैं और मेंबर ही बेनिफिट कमाते हैं, गवर्नमेंट कंपनी और होल्ली ओन सब्सिडरी बाय द होल्डिंग, इन लोगों पे ये चीज़ें अवेलेबल नहीं है कि इनको अपनी की हुई सिक्योरिटीज को डीमैट में इशू करना होगा या कन्वर्ट करना होगा या मेंटेन करना होगा। ठीक है, ये तो मैं पढ़ा चुका हूँ। दो डिपॉजिटरीज हमारे देश में NSDL और CDSL और दोनों काम करती हैं, उनके अंडर बहुत सारे कमर्शियल बैंक आते हैं जो DP का काम करते हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आते हैं। वोटिंग राइट्स आपको तो पता ही है, वोटिंग राइट्स होते हैं, इक्विटी शेयर का जो वोटिंग राइट होता है वो क्या होता है, इक्वल भी होता है वो भी होता है, बट बेसिकली अगर हम पढ़े इक्वल वोटिंग राइट्स में तो एक सिंपल है कि वोटिंग में क्या होता है, वन मैन वन वोट। वोटिंग जब सफल नहीं होती तो पोलिंग में क्या होता है, वन शेयर वन वोट। बेसिकली हम ले लेते हैं कि वन शेयर वन वोट ही होती है, एग्जाम्पल पोलिंग है। और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में तो आपको क्लियरली बता चुका हूं कि नो वोटिंग राइट्स, बराबर है। प्रोपोर्शनल वोटिंग राइट हम पढ़ेंगे क्या होता है प्रोपोर्शनल वोटिंग, हेडिंग क्या थी, वेरिएशन, यानी आप वोटिंग राइट्स में तब्दीली ला रहे हैं तो ये तो पूछ के लाएंगे या बिना पूछे लाएंगे, तो हम पढ़ते हैं सेक्शन 47 गवर्न द वोटिंग राइट्स ऑफ मेंबर्स ऑफ कंपनी। ओके पढ़ें क्या लिखा है, क्या लिखा है इसमें, सेक्शन 47(1) साफ साफ कहता है मेरे दोस्तों, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ, देखो सब्जेक्ट टू द मतलब इसके साथ हम ये भी पढ़ेंगे, यानी ये सुपीरियर प्रोविजन है इसके सामने 43, 50 सबसेक्शन 2 और 188(1), ये सब्जेक्ट टू का मतलब कि इसके रेफरेंस में हमें इनको भी उतनी तवज्जो देनी है कि उससे ज्यादा, है ना, यानी जो बात 47(1) नहीं कह रहा होगा मैं तो किसको सुपीरियर बन रहा होगा, 43 को, 52 को और 188(1) को। एवरी क्या लिखा है इसमें पढ़ो ना, एवरी मेंबर ऑफ ए लिमिटेड बाय शेयर कंपनी होल्डिंग इक्विटी शेयर हैव अ राइट टू वोट इन एवरी रिजोल्यूशन प्लेस बिफोर द कंपनी, हैव अ राइट टू वोट इन वोटिंग, देयर इज अ वन मैन वन वोट, इन पोलिंग देयर इज अ वन शेयर वन वोट, है ना, एंड हिज वोटिंग राइट ऑन ए पोल, पोल तो मैंने आपको बता ही दिया, वन शेयर वन वोट, और पोलिंग कब होती है, वोटिंग फेल होने के बाद या अगर किसी ने वोटिंग को चैलेंज किया है, किसी ने मतलब मेंबर ही करते चैलेंज। प्रेफरेंस शेयर जो है उनकी बेसिकली कोई वोटिंग राइट्स होती नहीं है, बट यहाँ पढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 40 सबसेक्शन 2 एवरी मेंबर ऑफ ए कंपनी होल्डिंग कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स who is holding any preferential capital in respect of such capital have, क्या लिखा है इसमें, ये उन्हीं resolutions में वोट करेंगे उनके रिलेशन से उनके उनके राइट्स को डायरेक्टली अफेक्ट कर रहा हूँ, जैसे कि कंपनी इनसे बिना पूछे इनका डिविडेंड कम कर दे रही है ना, ये cumulative preference shares 2 साल से ज़्यादा अपने पेंडिंग रख दिए और 2 साल से ज़्यादा पेंडिंग नहीं रह सकते, NCLT को जाके कंपनी को वाइंड अप करने की बात की जा सकती है। ठीक है, और दे हैव ऑल्सो राइट टू वोट ऑन एनी रिजोल्यूशन फॉर द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, क्योंकि वाइंड अप के टाइम पर इन्हीं को प्रेफरेंस मिलता है ना, इसलिए इनका वहाँ भी राइट है ना, या फॉर द रिपेमेंट ऑफ, इसको लेके अगर कोई मीटिंग हो रही है तो इस पर भी आप वोटिंग कर सकते हैं, जैसे रिपेमेंट ऑफ इक्विटी कैपिटल और रिपेमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, है ना, इक्विटी का तो रिपेमेंट नहीं होता, उसका रिडक्शन होता है। ठीक है, और इनके भी वोटिंग राइट्स कैसे होते हैं, पोल के हिसाब से, मतलब पोलिंग में तो मैं आपको बता चुका हूँ मेरे 1,000 शेयर हैं और मान लेते हैं मेरे छोटे भाई के 100 शेयर हैं, तो मेरे 1,000 वोट काउंट अगर 1:1 का रेशियो है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट प्रोविजन, मतलब प्रोविजन तो मैं आपको पढ़ाई चुका है ना, सब फर्दर दैट 47(2) द प्रोपोर्शन ऑफ वोटिंग राइट ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर पढ़ चुके हैं, है ना, लिखा ना प्रोपोर्शन ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ द वोटिंग राइट टू द सिमिलर टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर इन सेम प्रोपोर्शन एज द पेड अप शेयर कैपिटल। बेसिकली जो वोटिंग राइट होता है, वोटिंग राइट नॉट पोलिंग राइट, वन मैन वन वोट, चाहे वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर का हो या इक्विटी, बट अगर ये पोलिंग में चले गया तो फिर क्या हो जाएगा, वन शेयर वन वोट। वोटिंग पता है ना आपको, वोटिंग को फेल किया जा सकता है, उसको चैलेंज किया जा सकता है, जो शो ऑफ हैंड्स करके की जाती है, जैसे कंपनी में कोई डिस्कशन है तो शो ऑफ हैंड्स करके
इससे अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है तो यू कैन गो फॉर पोलिंग। अब ये 47.2 क्या बोल रहा है, अगर आपने, मैंने अभी बताया आपको, अगर आपने प्रेफरेंस शेयर को 2 साल तक डिविडेंड नहीं दिया क्यूमुलेटिव को, तो वो बोलेगा एनसीएलटी के पास जाके कंपनी को वाइंड अप करो, तो वो अपनी मीटिंग करेगा और मीटिंग में अपने वोटिंग राइट्स को यूज कर सकता है। ठीक है बच्चों, ओके। तो क्या होता है मालूम क्या, आप क्यूमुलेटिव इश्यू कर रहे हो और अगर आप उनको 2 साल भी डिविडेंड नहीं दे रहे तो आपके पास कुटी कौड़ी नहीं है, और आप सीआरआर कब तक यूज करोगे क्यूमुलेटिव रिडेम्पशन रिजर्व। ठीक है, यहां लिखा है दे कैन डू एनुअल जनरल मीटिंग, दे कैन डू ईजीएम ऑल्सो। ईजीएम मतलब जो साल के बीच में अचानक से मीटिंग हो जाए जिसके लिए आप रेडी नहीं थे, उसके खर्चे बहुत होते हैं, और वो खर्चे अगर मेंबर्स बियर कर रहे हैं मीटिंग करने के लिए तो वो कंपनी से बाद में रिफर कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं। वन शेयर वन वोट, ठीक है, ये क्लियर हो गया। इक्विटी प्रेफरेंस शेयर होल्डर वहीं वोट करेगा जहां उनका इंटरेस्ट अफेक्ट होगा, कौन से रेट में, वोट में 1-1-1 वोट, और अगर पोलिंग में है तो 1 शेयर 1 वोट, जितना पेड अप है ना। डिफरेंशियल वोटिंग राइट 1:1, ये क्या होगा 10:1, ये लोग कब करेंगे, ये टाइम पर वोट कर सकते हैं, ये टाइम पर वोट कर सकते हैं, ये टाइम पर वोट कर सकते हैं। अगर डिविडेंड को क्या किया जा रहा है, रिड्यूस बिना पूछे। प्राइवेट कंपनी को तो एग्जेम्पशन से तो जांच बार हम कर चुके हैं, सेक्शन 47 प्राइवेट कंपनियों पे एप्लीकेबल नहीं है ना, मगर ये सेक्शन लिखा है ना इसमें, है ना, उन प्राइवेट कंपनियों पे एप्लीकेबल नहीं है जिन्होंने इसमें डिफॉल्ट नहीं किया। क्योंकि अगर आप प्रॉपरली अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, अपनी बैलेंस शीट्स को फाइल कर रहे हो तो आप पे किसी भी प्रकार का फालतू का पब्लिक सेक्शन इंप्लीमेंट नहीं किया जाएगा। अभी छोटा सा एक पॉइंट है, अब ये लोग प्राइवेट कंपनी में ऐसे ही होगा ना कि हो सकता है कि जो 51% कैपिटल जिनके पास में है वो सबसे ज्यादा वोटिंग राइट्स लें। बराबर है कि नहीं बराबर है, मुकेश अंबानी की प्राइवेट लैंड कंपनी होगी बोलेगा सबसे ज्यादा वोटिंग राइट मेरे, तो 51% से ज्यादा तो उसी के होगा, वहां तो वो अलग ही वो सिस्टम हो सकता है कि उन्होंने अपने लिए 1:1 रखा हो तो किसी और के लिए रखा हो 7:1, 27:1 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्राइवेट कंपनी में ऐसा कर सकते हैं ना, आपको वहां थोड़ी ना रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने, आप अपना आर्टिकल खुद बना सकते हैं। हाँ जी, अभी नेक्स्ट टॉपिक है कि वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर राइट सेक्शन 48, इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार। नाम से ही क्लियर हो रहा है कि अगर आप शेयर होल्डर के राइट को वेराय करते हो, चेंज करते हो, तो क्या उनका अप्रूवल लगेगा? डेफिनेटली उनका अप्रूवल लगेगा, उसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा, है ना, उसके बिना तो काम चलेगा ही नहीं चलेगा। देखते हैं, पढ़ने की कोशिश करते हैं। इनकेस देखो, एक तो वेरिएशन ऑफ राइट का मतलब क्या होता है, अगर आपने अलग अलग प्रकार के शेयर होल्डर इशू करके रखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ वेरिएशन समझता है। जैसे डीवीआर के लिए जो उनका प्रपोर्शन ऑफ जो वोटिंग राइट है वो डिफरेंट हो सकता है, इट्स लाइक 10:1, 5:1, 15:1 ना, पीडअप कैपिटल के हिसाब से। उनके जो इक्वल वोटिंग राइट्स वाले उनके लिए 1:1 हो सकता है, तो आप ऐसा कर सकते हैं अगर आपने अलग अलग क्लास ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर इशू किए। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 48 सबसेक्शन 1, ध्यान देना, अगर कंपनी का शेयर कैपिटल अलग अलग प्रकार के क्लासेस ऑफ शेयर्स में इश्यू है, इक्विटी शेयर विद इक्वल वोटिंग राइट्स, इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट, प्रेफरेंस शेयर्स, बराबर है ना, आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं। ठीक है बच्चों, सॉरी आ गए हम लोग। हाँ, क्या लिखा है उसमें, द राइट्स अटैच टू द शेयर्स। अब इक्विटी शेयर का तो इक्वल वोटिंग राइट्स है, उसके राइट्स डिफरेंट है। देखो, राइट इश्यू बोनस इश्यू सबको मिलेगा, बट जो 1 शेयर 1 वोट है पोलिंग में वो थोड़ी ना मिल रहा है डीवीआर को, उनको तो रेशियो कम मिल रहा है और उसको रेट ऑफ डिविडेंड मगर ज्यादा मिल रहा है, डिफरेंट हो सकता है ना। मे बी वेर हाइड, आप कर सकते हो डिफरेंट विद द कंसेंट इन द राइटिंग ऑफ होल्डर्स ऑफ नॉट लेस देन 3/4 सिंपल of the issued class of that class or by means of a special resolution passed at a separate meeting. ने जितने भी प्रकार के आप शेयर इशू कर रहे हो तो उसके लिए पहले आपको जो शेयर जो ऑलरेडी इशू शेयर्ड है होल्डर है उनसे पूछना होगा, कितने लोगों से कम 75% लोगों की सहमति उस पर होनी चाहिए, है ना। एक लाइन पे ध्यान देना,
कंसेंट इन राइटिंग ऑफ होल्डर्स ऑफ नॉट लेस देन 3/4 ऑफ द इशूड शेयर्स ऑफ दैट क्लास. व्हाट इज दैट मीन? दैट क्लास मतलब अब आप शेयर इशू कर रहे हो 1:1 का. एग्जाम्पल दिया हूँ, समझाने की कोशिश. ऑलरेडी 1:1 के ऑलरेडी इशूड है, तो आप इनसे लोगे ना. कि हम ये ऐसे और कर रहे हैं तो आप बताइए करें क्या, या ऐसे और कर रहे हैं तो आप बताइए करें क्या, है ना. तो ये इनसे नहीं पूछेंगे अपन. ये अगर ऑलरेडी कोई डीवीआर इशू है उनसे पूछेंगे, बराबर है ना. कौन सी मीटिंग में? जनरल मीटिंग में. सेम क्लास ऑफ शेयर जो ऑलरेडी इशूज है उनसे परमिशन ली जा रही है मींस ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन. सेपरेट मीटिंग में भी कर सकते हैं, है ना. डीवीआर वालों की सेपरेट मीटिंग भी हो सकती है, या एक ही मीटिंग में सब शेयर होल्डर को बिठा सकते हैं. ओके, है ना. और जो भी वेरिएशन होगा उसका प्रोविजन यहाँ होना चाहिए मेमोरेंडम में और आर्टिकल में. और अगर नहीं दिया है तो फिर कंपनी एक्ट का आपको एक प्रोविजन बताना पड़ेगा कि कंपनी एक्ट ने आपको अलाउ किया है. तो किया है 48 में लिख तो रहे. दूसरी बात, एक चीज अब याद रख लो इसको, यानी आप अलग अलग प्रकार के शेयर इशू कर सकते हैं अलग अलग राइट्स को लेकर. सर कर सकते हैं, अभी आपके सामने बताया तो कर सकते हैं. बट एक लाइन अपने जहन में बैठा लो, बट अ कंपनी कैन नॉट इशू या कैन नॉट वेराय द राइट्स ऑफ एनी क्लास ऑफ एनी शेयर्स इफ इफ इट अफेक्ट्स द राइट ऑफ अदर शेयर होल्डर ऑफ सेम क्लास और ऑफ डिफरेंट क्लास. एक को राइट दोगे दूसरे को उसका गलत इंपैक्ट नहीं होना चाहिए. सेम या दूसरे को या उनकी जो ऑलरेडी क्लास ऑफ शेयर इश्यू है उनका. ठीक है, यहां लिखा हुआ है भूलना नहीं, परमिशन तो लेनी पड़ेगी 3/4 वालों से. अब ये लाइन आपको खेल कर देती है पूरा. क्या लिखा है लाइन में? नो कंसेंट गिवन फॉर वेरिएशन 48(2) वेयर द होल्डर्स ऑफ नॉट लेस देन 10% ऑफ इश्यूड ऑफ शेयर डिड नॉट कंसेंट, है ना. कम से कम जिनके पास 10% के शेयर्स है उन्होंने कंसेंट नहीं दी, हम नहीं चाहते कि इस प्रकार के और शेयर इशू, है ना, हम नहीं चाहते या इस प्रकार के और राइट्स बांटे जाए. तो ये जो 10% जिनके पास कम से कम शेयर होल्डर ये अप्लाई कर सकते हैं ट्रिब्यूनल को, है ना. हैव द वेरिएशन कैंसल्ड एंड वेयर एनी सच एप्लीकेशन इज मेड द वेरिएशन शैल नॉट हैव इफेक्ट. हम इस वेरिएशन को मानते हैं और अगर वो वेरिएशन इंप्लीमेंटेड है तो वैसे वेरिएशन कैंसिल करते हैं. किसकी बात कर रहे हैं? जिन लोगों ने कंसेंट नहीं दिए, बट उनकी तादाद कितनी होना चाहिए? उनके पास कम से कम 10% तक का कैपिटल कंपनी का होना चाहिए, है ना. 100% में से 10%, क्योंकि वो जो कंसेंट वाले हैं वो कुछ ज्यादा ही है 75%. ओके, अगर आप चाहते हैं कि वो वेरिएशन आप पे एप्लीकेबल ना हो तो आपकी तादाद कितनी होना? 10% टू द कंपनीज कैपिटल. तादाद मतलब नंबर ऑफ शेयर होल्डर नहीं, कैपिटल आपके पास कितना होना. ठीक है, और वो एप्लीकेशन आपने दिया तो 10% वाले शेयर होल्डर ने वो एप्लीकेशन किसको दिया? ट्रिब्यूनल को, कि मुझे, मेरे को वो राइट नहीं चाहिए, मैं वो राइट को डिनाई करता हूं, मैं ऐसे शेयर इशू नहीं होने दूंगा. फॉर एग्जांपल जो भी है, तो क्या लिखा उसमें? दिस सेक्शन शैल बी मेड विद इन 21 डेज आफ्टर द डेट ऑन विच कंसेंट वॉज गिवन. तो जिस दिन में मीटिंग में कंसेंट दी गई, मीटिंग में कंसेंट दी ना, किन लोगों ने कंसेंट दिया? इन लोगों ने, उसको आप 3/4 भी कहते हैं. तो कंसेंट के 21 डेज के अंदर आपको एप्लीकेशन दे देनी है एनसीईआरटी, और उनको बोल देना है कि भाई हम राजी नहीं है उस वेरिएशन से. कौन सा वेरिएशन? कि किस प्रकार के शेयर या उसी प्रकार के और शेयर या हमारे राइट्स को लेकर अगर कोई चेंजेस किए जा रहे हैं. आ सकता है इस पे क्वेश्चन? बहुत चांस है, बहुत चांस है. ठीक है, क्लियर हो रहा है क्या बोल रहा हूँ आपको मैं? वेरिएशन. अब डिसीजन आएगा, द डिसीजन ऑफ द ट्रिब्यूनल ऑन एनी एप्लीकेशन ऑफ द दैट शेयर होल्डर शेल बी बाइंडिंग ऑन द शेयर होल्डर. अब या तो फेवर का आएगा या फेवर का नहीं आएगा. 48(4) क्या कहता है? स्टेट दैट द कंपनी शेल विदिन 30 डेज ऑफ द डेट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल. ट्रिब्यूनल के ऑर्डर पॉजिटिव भी हो सकता है कंपनी के लिए, निगेटिव भी हो सकता है. पॉजिटिव क्या हो सकता है? ये 10% वालों पे एप्लीकेबल नहीं होंगे तुम्हारे वेरिएशन.
ये निगेटिव हो सकता है, सॉरी, और पॉजिटिव क्या हो सकता है, ठीक है ये 10% से कम है इनको हम वो पावर नहीं दे सकते, तो तुम अपने डिफरेंशियल वोटिंग राइट या जो भी तो वेरिएशन कर रहे हो करो, दोनों मतलब फेवर का भी ऑर्डर आ सकता है और नॉन फेवरेबल भी हो सकता है। क्या लिखा है उसमें, कंपनी शेयर विद इन, जिस दिन ऑर्डर आया आपको उसके 30 दिन के अंदर आपको उस कॉपी रजिस्ट्रार के पास भेज देंगे कि ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल की कॉपी, क्लियर है ना कि भैया मेरे को ये ऑर्डर आया, क्या ऑर्डर आया, नहीं 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 तुम वेराई नहीं करोगे, 10% वालों भैया वेराई करोगे, दोनों में से कोई ऑर्डर ही आएगा ना, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं करते आप, देखो पूरी लाइन से लिखा 1, 2, 3, 4, 5, कंपनी को फाइन लिखा है 10 लाख, 25,000 तक का एक्सटेंड टू 5 लाख। और अगर ऑफिसर ऐसा करता है, क्या नहीं करता, करता क्या नहीं करता ये तो बताओ पहले, कंसेंट नहीं लेता या जो ऑर्डर की कॉपी आई है उसको फाइल नहीं करता उसी के पास में, 6 मंथ से लेके, बापरे है ना, 6 मंथ तक की पनिशमेंट तो है, 25,000 से लेके 5 लाख तक का फाइन और बोथ। ओके समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ आपको मैं, कॉल्स इन एडवांस, क्या होता है कॉल्स इन एडवांस यार, क्या होता है यार, कंपनी सबसे पहले क्या करती है, सबसे पहले जब आप शेयर्स खरीदते हैं तो सबसे पहले कंपनी आपसे क्या लेती है, एप्लीकेशन बनाओ तो कम से कम मिनिमम 5% टू द फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स होती है आप अगर आपने, और दूसरा होता है फिर आपका अलॉटमेंट मनी का कॉल, फिर होते हैं आपके फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल। तो अगर आपने अलॉटमेंट मनी में पूरा पैसा दे दिया या एप्लीकेशन मनी में पूरा पैसा दे दिया, आपने दे दिया, खुद से दे दिया, कंपनी ने मांगा नहीं, कंपनी तो कॉल्स भी थी, उसे हम एडवांस कॉल कहते हैं कि बिना बोले शेयर होल्डर खुद से पैसे दे दे रहा है, तो उसको डेप्ट नहीं माना जाएगा। ऐसा नहीं कि मैंने दे दिया तो मुझे उसके बदले में कुछ दो या मुझे उसके बदले में कोई इंटरेस्ट दो, ऐसा नहीं होगा। आपने दिया है उसे हम एक, आपने खुद से दिया है तो जितना डिविडेंड जब देना था हम तभी देंगे, आपको एडवांस में पे नहीं किया जाएगा, पार्टली पेड है ना, जब पार्टली पेड होते तभी तो कॉल करते, तो कॉल करते तो कॉल्ड अप। अब वहां क्या लिखा है, सेक्शन 49, दीज कॉल्स हैव टू बी यूनिफॉर्मली मेड एंड देयर शुड नो बी डिफरेंशिएशन। अगर आप इक्वल वोटिंग राइट्स वाले शेयर इशू करते हैं एक ही प्रकार के, तो एक ही तरीके से पैसे मांगो ना सबसे, एक ही तरीके से, मतलब जैसे आपने पहले कॉल में बोले 5%, तो सबके लिए 5% रखो, अपने अलॉटमेंट मनी के टाइम पर बोले 15%, 15% रखो ना यार, सबके लिए इक्वल, नो डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। कॉल्स इन एडवांस क्या है, बहुत चांसेस पे क्वेश्चन आने का, बहुत चांसेस पे क्वेश्चन आने का, ठीक है। क्या लिखा है इसमें, कंपनी में, कंपनी ऐसे कर सकती है इफ ऑथराइज बाय इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, एक्सेप्ट, ध्यान देना, एक्सेप्ट फ्रॉम एनी मेंबर, एनी मेंबर द होल अमाउंट ऑफ कैपिटल, शेयर कैपिटल और अ पार्ट ऑफ, क्योंकि पार्ट, अब पार्ट तो मैं मांग ही रहा हूँ ना, तो तुम आने वाला पार्ट पहले से क्यों दे रहे हो, एप्लीकेशन में अलॉटमेंट मत पे करो, अलॉटमेंट में पहला कॉल मत पे करो, अब कर दिए तो देखो क्या होता है, जो भी रिमेनिंग अमाउंट था आपने खुद से पे कर दिया, अब उसके ऊपर कुछ भी कॉल्ड अप नहीं बाकी है ना, कंपनी ऐसा ले सकती है कि हाँ जी ले सकती है, कोई दिक्कत नहीं, तो कंपनी ले सकती है, बट उसके लिए आपको आर्टिकल में ऑथराइजेशन डालना पड़ेगा, है ना, एप्लीकेशन मनी है ना, अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट सेकेंड फाइनल कॉल, इस तरीके से चलता है, मतलब इन्होंने पहले ही पैसे पे कर दिए। अब देखो क्या लिखा है, आपने दिए और कंपनी के आर्टिकल में लिखा था, आपने खुद से दिए कि यार दे रहे तो ना पूरे, क्या लिखा पढ़ो, अ मेंबर ऑफ अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स शैल हैव नो वोटिंग राइट्स, तुमको किसी प्रकार के कोई भी वोटिंग राइट नहीं मिलेगा उस एडवांस कॉल पर, ठीक है। ओके, अगर कंपनी खुद कॉल्ड अप करती तो कंपनी खुद से वोटिंग राइट्स देती, टाइम पीरियड ये एक्चुअली 1 साल के अंदर होता है, तो 1 साल हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपको तो मिल ही जाएंगे फिर वोटिंग राइट्स, उसके बीच में नहीं मिलेगा, कॉल एडवांस कॉल पे कोई वोटिंग राइट्स नहीं, डिविडेंड मेरा आया है। 51 क्या कहता है, अब थोड़ा सा देखते हैं, 51 के तहत द कंपनी इज अलाउड टू पे डिविडेंड्स इन प्रोपोर्शन टू द अमाउंट्स पेड अप, व्हाट इज दैट मीन, जितना पेड अप, जितना कंपनी को हासिल हो चुका है, यानी कैसा, अगर 100 रुपए के, यही बता देता हूँ, अगर आपको 1,000 रुपए के शेयर है, समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको वो क्या बोल रहा है, तो अगर आपने उनको 750 रुपए दे चुके हैं, है ना, तो बोल रहा है इस पे अगर आपको डिविडेंड देना है, जितना कॉल्ड अप, जितना पेड अप आया कंपनी के पास, इतना आ गया ना, पूरे नहीं आया जितने भी, तो उसके लिए आपको आर्टिकल में ऑथराइजेशन होना चाहिए। नॉर्मली डिविडेंड किस कब दिया जाता है, फुल्ली पेड अप होता है, बट अगर ऐसा करना है तो पार्ट ऑफ अमाउंट पे डिविडेंड दे रहे हो तो आपको उसके आर्टिकल पर ऑथराइजेशन देना पड़ेगा।
बट एडवांस कॉल पे आपको किसी प्रकार के वोटिंग राइट नहीं मिलेगा। ओके ओके, मगर डिले करोगे तो उस पर वोटिंग राइट चले जाएंगे, इसलिए डिले मत करना। पढ़ो ये दोनों एग्जांपल्स क्या लिखे हैं। मून स्टार मशीनरी लिमिटेड पब्लिक कंपनी इज ऑथराइज बाय इट्स आर्टिकल, ऑथराइजेशन है, चलो ठीक है, टू एक्सेप्ट द होल जो अनपेड कॉल्स है आप एडवांस में पूरा या उसका एक पार्ट मांग सकते हैं, है ना। ओके, भले आपने मांगा नहीं था बट उसने खुद से दे दिया, खुद से ही दिया ना, तभी तो आप डिविडेंड नहीं पे कर रहे उस पर। और अगर करना चाहते हो तो 51 एप्लीकेशन करना पड़ेगा, आर्टिकल में लिखना पड़ेगा। आनंद अ शेयर होल्डर, ध्यान देना, क्या बोलते हैं संस्कार, ध्यान देना बड़ी उम्र है, ठीक है, रात को देखेगा तो वीडियो 3-4 बजे। डिपॉजिट इन एडवांस द रिमेनिंग अमाउंट ऑन हिज पार्टली पेड शेयर्स विदाउट एनी कॉल्स बीइंग मेड, कंपनी मांग रही नहीं है, आनंद को कुछ ज्यादा ही आनंद था तो उन्होंने खुद से दे दिया, कंपनी ने मांगा नहीं, हाँ बट कंपनी का ऑथराइजेशन था कि कोई देगा तो ले लेंगे। अब वो बोल रहा है कि पहली बात तो बोलो इन व्यू ऑफ द ऑथराइजेशन गिवन बाय आर्टिकल, मून स्टार ले सकता है, हाँ ले सकता है, अभी अपन ने पढ़े परमिटेड है ना, अभी अपन ने पढ़े, अभी अपन ने पढ़े, अभी अपन ने पढ़े, यस परमिटेड सेक्शन 50 है, वैलिड ट्रांजेक्शन है ना, इसी में से क्वेश्चन आता है। दूसरा क्या लिखा है, कोरिएंडर मसाले लिमिटेड हैज इशूड 1 लाख, 10 लाख, 10 लाख ना, 10 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, है ना, जिसपे कंपनी ने पर शेयर कितना पैसा मांगी, ₹6 भी मांगी अभी तक, अलॉटमेंट तक, मतलब फेस वैल्यू पर एप्लीकेशन बनी, ₹6 मांग लिया कंपनी, और फर्स्ट ऑल टिल अलॉटमेंट ₹6, अलॉटमेंट तक ₹6 मांग लिया, फर्स्ट और फाइनल कॉल ऑफ ₹4 इज येट टू बी मेड, या तो ₹2 करके मांगेगी, या पहले कॉल में पूरा मांग लिया, कुछ भी हो सकता है, या 3-1-1-3 जो भी कंपनी को लगेगा। रीना करके एक महिला है, उन्होंने 10,000 शेयर उस पे होल्ड किया है कंपनी, उन्होंने पूरे ₹10 दे दिए, अभी कंपनी ने मांगा नहीं, कंपनी ने मांगा तो अलॉटमेंट तक 6 ही था, ज्यादा पैसा होगा मैडम के पास, है ना, होता है ना महिलाओं के अंदर कुछ ज्यादा ही, हम दे देंगे, दे दिया आपको। इन द अपकमिंग एक्स्ट्रॉर्डनरी जनरल मीटिंग, ईजीएम हुई, अब ईजीएम कैसे होती है, मेमोरेंडम चेंज करने के लिए, आर्टिकल चेंज करने के लिए, रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स के लिए, बहुत सारी चीज, कंपनी का नाम चेंज करने के लिए, कंपनी का काम चेंज करने के लिए। वो महिला बोलती है कि मैं अपने वोटिंग राइट्स को यूज करूंगी, तो कंपनी क्या बोलेगी, अरे बाबा आपने खुद से दिया, आर्टिकल पढ़ो, खुद से दोगे, हाँ लेंगे हम, मगर वोटिंग राइट नहीं देंगे। सिंपल है ना, जब तक पूरा पैसा कंपनी सबसे ले नहीं लेती, वो प्रोसेस, तब तुम्हारे वोटिंग राइट मिलेंगे, जब सबको मिलेंगे तब तुमको मिलेंगे, ठीक है। ये एक्सेप्शन वाला है, जितना पेड अप है अगर उस पर डिविडेंड देना है तो आर्टिकल में लिखना पड़ेगा, नॉर्मली तो फुल्ली पेड अप पे देते हो, ठीक है, क्या यहां तक सबको क्लियर। ओके, ये जो एग्जांपल्स है ना यहीं से क्वेश्चन आता है, भूलना नहीं है। ओके बच्चों, बाकी ये सब धीरे धीरे पढ़ेंगे, धीरे धीरे चालू करेंगे, ये इश्यू प्रीमियम पे तो अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, एक अलग टॉपिक है पूरा, प्रीमियम का अमाउंट कहाँ यूज होगा, उसका पैसा कहाँ दिया जाएगा, है ना, कहाँ कहाँ खर्चा होगा, डिटेल में पढ़ेंगे, अलग वीडियो बनाना पड़ेगा उस पर। ये तो मैंने क्लियर कर दिया आपको, क्यूमुलेटिव क्या होता है, अगर इस साल का डिविडेंड नहीं मिला तो अगले साल तक ट्रांसफर हो जाएगा, ऐसा अगर 2 साल हुआ तो आप एनसीएलटी के पास जाके एप्लीकेशन कर सकते हैं कि कंपनी को वाइंड अप करो। नॉन क्यूमुलेटिव क्या बोला, इस साल डिविडेंड नहीं मिला तो अगले साल भी डिविडेंड आपको नहीं मिलेगा, हम अगर इसका जो रेट ऑफ डिविडेंड है डेफिनेटली वो ज्यादा होगा किसके मुकाबले, क्यूमुलेटिव के मुकाबले, अगर दोनों साथ में इशू होते हैं। पार्टिसिपेटी का मतलब क्या बोला, डिविडेंड के अलावा सरप्लस से भी हिस्सा मिलेगा, मगर वो सरप्लस इक्विटी के बाद मिलेगा, नॉन पार्टिसिपेटिव में ऐसा होने वाला नहीं है। कन्वर्टेबिलिटी में क्या होता है, कन्वर्टेबिलिटी में भी 2 प्रकार के होते हैं, या तो पार्शियल पीसीडी होता है, पार्टली कन्वर्टेबल, एक पार्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कन्वर्ट होगा इक्विटी में, या फुली कन्वर्टेबल, पूरा का पूरा प्रेफरेंस शेयर इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएगा, नॉन कन्वर्टेबल रिडीम एज ए प्रेफरेंस शेयर कन्वर्टेबल नहीं होगा। रिडेम्पशन ऑन द ड्यू डेट मैक्सिमम 20 इयर्स, रिडीमेबल जो इशू ही नहीं किए जाते एज पर द कंपनीज अमेंडमेंट 1988, ठीक है, तो आपको ये भूलना नहीं है। मैक्सिमम 20 साल के लिए प्रेफरेंस शेयर इश्यू होते हैं, मगर अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनी है, कोई कंपनी है जो डैम बनाती है, हाईवे बनाती है, टेलीकॉम का काम करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनी है, तो वो कंपनी मैक्सिमम 30 साल तक के लिए इशू कर सकती है प्रेफरेंस शेयर को, बशर्ते 21st ईयर से जब 21 साल चालू होगा तो मगर 10% प्रेफरेंस शेयर उसे रिडीम करने हो,
इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी ही 30 साल तक प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकती है, नॉर्मल कंपनियां मैक्सिमम 20 साल, और 21वें साल से 30वें साल तक 10% रिडेम्पशन करना होगा कि कंपनी पर प्रेशर ना बने एक साल 30वें साल तक और पैसा मिलते जाए। क्लियर है? ओके, लिखा है यहां पर, भूलना नहीं है, ये तो पढ़ना ही है। स्पेशल रेजोल्यूशन लगता है अगर आपको प्रेफरेंस शेयर इशू करना है तो, है ना, क्योंकि यार ये पूरे राइट लिया लेते ना इक्विटी के साथ, डिविडेंड भी इनको पहले, रिपेमेंट भी इनको पहले, बराबर है कि नहीं। इनका अलग एक रजिस्टर मेंटेन करो, सेक्शन 88 अलग रजिस्टर मेंटेन करो इनका, इनका नाम, इनका एड्रेस, इनका ऑक्यूपेशन। अब मैंने आपको बता दिया है इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां, बिजली की कंपनी, कोयले की कंपनी, है ना, डैम, हाईवे, पावर, इन कंपनियों के लिए 30 ईयर्स तक अलाउ है। बट द कंडीशन फ्रॉम द 21st ईयर यू हैव टू रिड्यूम 10% प्रेफरेंस शेयर्स। प्रॉफिट से ही पैसा दोगे, प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो प्रेफरेंस शेयर इश्यू क्यों किए हो, माइंड अप करो। प्रॉफिट होगा उसी से कैपिटल एसेट्स बेच के पैसा नहीं देना है, आप समझ रहे हैं, कैपिटल एसेट्स बेच के पैसा नहीं देना, आउट ऑफ प्रॉफिट ओनली, करंट ईयर और प्रीवियस ईयर, बट प्रॉफिट। या फ्रेश इश्यू करो फिर, मतलब नए प्रेफरेंस शेयर इश्यू करो, उससे पैसा आएगा तो दे देना, कैपिटल एसेट नहीं। ये तो अभी मैंने आपको बताया क्यूमुलेटिव रिडेम्पशन रिजर्व, कुछ पैसा वहां जमा करके रखो कि अगर करंट ईयर में प्रॉफिट नहीं हुआ तो वहां से डिविडेंड दे दो या रिपेमेंट कर दो वहां से, बराबर है कि नहीं, बराबर है। तो जब प्रॉफिट से ही देने वाले हो, है ना, तो उतना ही अमाउंट लिखा ना, सम इक्वल टू द नॉमिनल अमाउंट ऑफ शेयर्स, है ना, रिजर्व में डाल के रख दो, जितने की भी आपने शेयर्स इशू किए उतना ही अमाउंट रिजर्व में डाल के रख दो, कि रिडेम्पशन के टाइम पर दिक्कत ना हो। ओके, ठीक है, क्या लिखा है इसमें, ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर द बीओडी ऑफ विंटी लाइफस्टाइल गारमेंट लिमिटेड इज अंडरटेक टू रिडेम्पशन ऑफ 20,000 प्रेफरेंस शेयर को, वो लोग रिडीम करने वाले जो 100 रुपए के, इनकी तो फेस वैल्यू 100 और 100 से ज्यादा ही होती है, है ना, एट ए प्रीमियम, कितने प्रीमियम पे इशू किए थे, 20 रुपए ऊपर प्रीमियम पे, इट इज मेड आउट ऑफ बाय द अकाउंट डिपार्टमेंट दैट द प्रॉफिट्स आर सफिशिएंट, कंपनी के पास इनफ प्रॉफिट है उनको रिडीम करने के लिए, तो दिक्कत नहीं है ना, प्रीमियम पे इशू किए थे मतलब 120 रुपए में, है ना। आपको क्या करना होगा, जितने के प्रेफरेंस शेयर है उतना ही अमाउंट कहाँ डाल देना होगा, है ना, तो कितना अमाउंट आपने क्या लिखा इसमें, प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीम एट अ प्रीमियम आउट ऑफ प्रॉफिट विच आर अदरवाइज अवेलेबल फॉर डिविडेंड, है ना, कितने का, 20 लाख ना, तो उतना ही अमाउंट आपको कहाँ ट्रांसफर करके रखना पड़ेगा, सीआरआर, तो जितने का आपका, जितने के आपने प्रेफरेंस शेयर इशू किए प्रीमियम वाला अमाउंट इंक्लूड करके, उतना आपको सीआरआर में पैसा ट्रांसफर करना होगा। ओके, और उसमें एक एक्सेप्शन लिखा है, ये इसको पढ़ते, इन दिस केस द अमाउंट दैट नीड्स टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट इफ प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीम एट ए प्रीमियम आउट ऑफ प्रॉफिट्स, आप प्रॉफिट से पैसा दे रहे हो प्रीमियम के ऊपर, मतलब प्रीमियम 120 रुपए वापस कर, कोई दिक्कत नहीं है, है ना, और अगर वो प्रॉफिट से रिपेमेंट नहीं करोगे तो वही प्रॉफिट अवेलेबल रहेगा डिविडेंड के लिए, क्लियर है, है ना, तो अगर प्रॉफिट अवेलेबल है तो फिर ये बनाने की जरूरत नहीं, आप समझ रहे, देयर इज नो नीड टू ट्रांसफर टू सीआरआर अकाउंट एनी अमाउंट पेड टुवर्ड्स प्रीमियम, फिर आपको सीआरआर अकाउंट पे ऐसा कोई प्रीमियम अमाउंट ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है, अगर वो प्रीमियम का अमाउंट भी कहां से दे रहे हो, प्रॉफिट से। सीआरआर क्या, सीआरआर का मतलब क्या है, आप जबरदस्ती नेट प्रॉफिट से रिजर्व बढ़ा रहे हो ना, तो अगर प्रॉफिट से ही दे सकते हो तो दे दो वो प्रीमियम अमाउंट भी 120 रुपए के शेयर, ठीक है, क्लियर है, है ना, ये इसलिए पढ़ाया, ये प्रीमियम पे मैं आगे इस पे आऊंगा, ये अभी अपन आएंगे, बट ये प्रेफरेंस शेयर का एक छोटा सा शेयर है, मतलब एक टॉपिक है जो ऊपर से कनेक्ट कर रहा था, इसलिए मैंने इसको बता दिया। ओके, बाकी प्रीमियम तो पूरा पढ़ने वाले हैं। ओके, ठीक है, चलो बाय, टाटा, टेक केयर, उसको रिवीजन करो और मुझे बताओ फिर कोई डाउट है तो डिफिकल्टी है।